हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शेखर और आप देख रहे हैं सैलोट व्लॉग्स। तो दोस्तों, ये होने वाला है मेरा फर्स्ट व्लॉग और फर्स्ट व्लॉग ही होने वाला है ट्रैवल व्लॉग। तो मैं जा रहा हूँ केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 5, घर से निकलने वाला हूँ। चलो तो आपको मिलता हूँ रास्ते में। मैं पहुंच चुका हूं फिलहाल मोदीनगर और मुझे मोदीनगर तक छोड़ने आया शिवम भाई। तो यहां से शिवम भाई को बाय कहेंगे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। चलो मिलते हैं आगे, फिर शिवम भाई को बाय करते हैं। जिनका वेट हो रहा था वो लोग आ चुके हैं, मेरे ट्रिप पार्टनर्स। ये देखिए, तीनों लोग आ चुके हैं। हाय गाइस, ट्रिप पार्टनर आ चुके हैं। ये देखिए, ये सेकंड ट्रिप पार्टनर है मेरे, थर्ड से तो मिलाया नहीं। हेलो ब्रदर, ठीक हो? बहुत बढ़िया। अभी हम दिखाने वाले हैं आपको कि टॉल से कैसे बचा जाए। तो उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आपके पास एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए और वो हम अपने साथ ले रहे हैं। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं शिवाया टॉप। तो अभी यहाँ से हरिद्वार है करीबन 125 किलोमीटर। तो नेक्स्ट अपडेट हम आपको हरिद्वार जाके देंगे और बाकी आप रास्ते का व्यू एंजॉय कीजिए। मंसूरपुर, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग जगह मेरठ और हरिद्वार हाईवे। तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ओपन नहीं हुआ है तो हमें अब कहीं आगे ही देखना पड़ेगा। सो गाइस, हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम। गाइस ये देखिए, सामने एयरपोर्ट ही है। फिलहाल हम हरिद्वार तो नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि आज हमारा डेस्टिनेशन होगा गौरीकुंड, वहीं जाके रुकेंगे हम। आते वक्त रुकेंगे हरिद्वार में और अदर डेस्टिनेशंस में हैं। ऊपर देखिए, वो चंडी देवी भी दिख रहा है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अब हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए। चीला रोड जा रही है। क्या ब्यूटीफुल व्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखें मेरे पीछे। तो अब हम फिलहाल पहुंच चुके हैं शिवपुरी। तो शिवपुरी एक बहुत ही फेमस स्पॉट है राफ्टिंग के लिए, मीन्स वर्ल्ड वाइड फेमस है राफ्टिंग के लिए। देखिए यहाँ पे चारों तरफ राफ्ट राफ्ट दिखेंगी, जो कि फिलहाल नहीं दिख रही हैं, लेकिन जब दिखेंगे आगे तो दिखा दूंगा मैं आपको। दिखेंगी तो भरपूर दिखेंगी, नहीं तो फिर दिखेंगी नहीं। कैंपिंग, राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, इसके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस स्पॉट है ऋषिकेश में शिवपुरी। तो आज तो सिर्फ आपको रोड्स ही दिखने को मिलेंगी, मेन स्पॉट तो आपको कल दिखेगा, वन ऑफ माई ड्रीम प्लेसेस केदारनाथ। चलिए कंटिन्यू करते हैं तो अपने रास्ते को और मिलते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। गाइस, तो अब हमने ले लिया है पहला ब्रेक, हमने शिवपुरी क्रॉस कर लिया है। तो अभी तक हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। ये कोई जगह है नाम का, यहाँ पे कोई बड़े रेस्टोरेंट्स तो नहीं है, लेकिन यही रोड साइड रेस्टोरेंट्स हैं, तो फिलहाल इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। चलो तो चलते हैं हम अंदर। तो ब्रेकफास्ट तो हमारा आ गया है, सिंपल आलू के पराठे हैं और अभी हमने बन भी खा लिए हैं दाल। तो देखिए, दाल भी है इसमें और अचार है और चम्मच है। तो अब मैं फूड व्लॉगिंग भी करूँगा साथ साथ में, तो आपको अभी हम खा के और टेस्ट रिव्यू देंगे। अभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर कुछ मिले ना मिले, लेकिन खाने के बाद फूड का रिव्यू ज़रूर मिलेगा। तो पहले भाई से पूछते हैं, भाई आपको खाना कैसा लगा यहाँ का? ठीक था, सो था। हाँ, मतलब ये है कि मामा जी से, मामा जी आपको कैसा लगा? ठीक है।
मतलब पराठे ज्यादा अच्छे थे या बन ज्यादा अच्छा था? ज्यादा अच्छा। हाँ तो वही मैं कह रहा था, लेकिन ये है कि अगर आप इधर इस साइड आ रहे हो तो शिवपुरी और ऋषिकेश के बीच में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, तो आप वहीं ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि आगे काफी काफी दूर तक मतलब नॉर्मल नॉर्मल रेस्टोरेंट्स हैं। तो यही था मतलब खाना। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जो कि है दो नदियों का संगम, जो आगे चल के मेन गंगा रिवर बनती है। वो सामने लेफ्ट साइड से राइट साइड से आ रही है अलकनंदा रिवर, और लेफ्ट साइड से आ रही है मंदाकिनी। तो देख लो क्या ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं यहाँ पे, अति सुंदर, जिसको कहते हैं एक नंबर। तो देखो दोनों का कलर भी अलग है, क्लियरली विजिबल है। गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर, उत्तराखंड का वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़। तो काफ़ी देर पहाड़ों में घूमने के बाद बहुत देर में कोई बड़ा शहर देखने को मिला है। काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, अभी हम सोच रहे हैं कि लंच श्रीनगर में ही करें, लेकिन अब हमारे भैया बोल रहे हैं कि यार आज सीधा गौरीकुंड रुकना है, तो शायद ना कर पाएँ, लेकिन जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको देते रहेंगे। देखिए काफी बड़ा शहर है। तो दोस्तों यह है धारी देवी टेंपल। ये जब श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ जाएंगे तो श्रीनगर से करीबन 10 किलोमीटर दूर है। ये अलकनंदा रिवर के बैंक पे बना हुआ है और काफ़ी सुंदर टेंपल बना हुआ है। तो जब भी आप इस तरफ आएँ तो एक बार ज़रूर विज़िट करें। ये देखिए व्यू भी क्या शानदार व्यू है। आ गए हैं बिल्कुल नदी के पास, और यहाँ से देखो धारी देवी टेंपल का क्या व्यू आ रहा है। भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए, और यहाँ नीचे बीच पे भी लोग काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। चारों तरफ का एकदम बिल्कुल तकड़ा व्यू आ रहा है। तो दोस्तों धारी देवी की चढ़ाई बिल्कुल एकदम खड़ी है, बहुत दिन बाद कहीं ट्रैकिंग करने निकले हैं, तो जरा से 500 मीटर के ट्रैक में ही सांस चढ़ गए हैं। दोनों मामा भांजे स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल चढ़ा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। तो मामा जी रुक जाओ। हाँ जी देखो पसीने आ गए दोनों को। चलो चढ़ना तो है फिर भी, चलो ऊपर चढ़ के मिलते हैं आप। सो गाइस धारी देवी टेंपल तो आपने देख ही लिया होगा, अब यहाँ से निकल चुके हैं आगे के लिए। तूने बंद कर लिया? अब अगला ब्रेक शायद रुद्रप्रयाग में ही लेंगे, उससे पहले तो नहीं रुकना। भाई व्यू ऐसे आ रहे हैं कि बस देखते रहो, मन ही नहीं भर रहा इनसे तो। ऑफ रोड आ गया, ऑफ रोड पैच हैवी ड्राइवर हमारे, एक नंबर गाड़ी चला रहे हैं। हेलो गाइस, तो अब एक स्नैक्स ब्रेक के लिए रुके हैं तिलवाड़ा में, और ये देखिए व्यू आ रहा है, साइड में रिवर फ्लो हो रही है और सामने बादल, लेक कितने बढ़िया लग रहे हैं, एक नंबर व्यू आ रहा है बिल्कुल। ये हल्के फुल्के स्नैक्स लेंगे और फिर आगे गौरीकुंड की तरफ जाएंगे। तो
फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। तो हमारी जो मतलब लास्ट लोकेशन है जहां तक गाड़ी जा सकती है वो सोनप्रयाग ही है। इससे आगे हमें सोमो से जाना पड़ेगा गौरीकुंड तक। ये देखिए पीछे का व्यू चेकआउट कीजिए। प्रयाग आखिरी लोकेशन है जहां तक प्राइवेट व्हीकल्स जा सकते हैं। इससे आगे तो आपको सोमो से ही जाना पड़ेगा। तो यहां से करीबन 8 किलोमीटर है जहां से केदारनाथ का मेन ट्रैक। बस अब यहां आप गाड़ी पार्क कर दी अपनी और यहाँ से अब अपना जो भी एक दो जोड़ी कपड़े लेने हैं उन्हें लेके आगे सोमो से जाएंगे आज गौरीकुंड और वहीं स्टे करेंगे रात में। गाइस फिलहाल हम सोनप्रयाग से चल चुके हैं गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग में अपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और आगे हमें यहीं की पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा। और आज फिलहाल रात के लिए आज हम वहीं गौरीकुंड में स्टे करेंगे और कल सुबह केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मामा जी अपने साथ हैं, फुल जोश में हैं भाई, अपना ड्रीम प्लेस पे जा रहे हैं तो खुशी तो होगी। दोनों मामा भांजे पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये देख लो भाई क्या ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ पे, बिल्कुल मजा आ रहा है एकदम। अब यहाँ सामने जहाँ आरा बोर्ड है ना, यहीं से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पिकअप मिल जाएगी और करीबन 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से गौरीकुंड। भाई अब हम यहाँ से सोनप्रयाग से चल चुके हैं और फिलहाल ये है हमारे आगे की व्हीकल जो हमें मिला है, इससे जाएंगे करीबन 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से गौरीकुंड। तो चलो बैठ जाते हैं आज की हमारी रेंज रोवर, इसे में हमारी टीम बैठ चुकी है। देखिए फिलहाल मैं तो बाहर खड़ा हूँ, कैसी लगी हमारी रेंज रोवर? मात्र 5,000 रुपये सवारी है इसमें। दोस्तों से तो मिलाया नहीं था कि कौन कौन मेरे साथ आए हैं। तो ये अपने बड़े भाई शशांक चौधरी, हैवी ड्राइवर, जेसीबी चलाते हैं। देखो भाई, भाई दिखाना अपना ड्राइविंग लाइसेंस। भाई ये देख लो, जेसीबी चालक हैं तो इसलिए ड्राइवर लाइसेंस हैवी करवा रखा है। और ये अपने मामा जी हैं, चलो अभी क्लियर नहीं आ रहे हैं, जब क्लियर आएंगे जब दिखाऊंगा। सो गाइस फिलहाल पिकअप ने हमें उतार दिया है यहाँ पर गौरीकुंड में और अभी 300-400 मीटर ऊपर जाना है हमें रोम की तलाश में। यहाँ पर जबरदस्त बारिश हो रही है और मौसम तो एक नंबर हो रहा है बिल्कुल। रेनकोट है नहीं, रेनकोट तो है नहीं, अम्मा जी कैसा करेंगे अब ऐसे? भैया इन्होंने तो पहन लिया रेनकोट, अपने शशांक भैया रह गए और हम रह गए हैं। अब देखो भैया भेजना ही पड़ेगा, करते हैं कहीं इंतजाम, इंतजाम तो खैर करना ही पड़ेगा। अब ऊपर जा रहे हैं, फिलहाल ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ही कहीं रूम मिलेगा और रेनकोट भी ऊपर ही मिलेगा अब तो। चलो गाइस मिलते हैं फिर तुमसे ऊपर ही जाके। तो गाइस पहुँच चुके हैं आज की अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे जो कि है गौरीकुंड। तो हमने यहाँ होटल ले लिया है और आगे की जर्नी जो है केदारनाथ का ट्रैक हम कल करेंगे। तो फाइनली आज यहीं पे रेस्ट करेंगे और आपको रूम से मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए क्या क्या शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। ये देखिए मामा जी हमारे फुल तैयार। भाई नए नए व्लॉगर बने हैं और रूम टूर ना दें, ऐसा हो सकता है क्या? तो अब मैं आपको रूम टूर देता हूँ। तो है भाई अपना छोटा सा रूम, ये लिया हमने एक डबल बेड और एक सिंगल बेड, ये देख लो। तो देखो सामने शीशा भी लग रहा है और किसी को अपनी चेहरा देखना हो तो। और बाकी इधर बाथरूम है और अब आपको करके दिखाते हैं बेड का चेक। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बाकी भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो। और भाई कल मिलते हैं आपको ट्रैक पे सीधा केदारनाथ, तो बाबा केदारनाथ के दर्शन हम भी करेंगे और आपको भी कराएंगे। टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।